आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट लेने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेकर उसको सेव कर सकते हैं या फिर उसका लिंक कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट लेने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है लाइटशॉट। लाइटशॉट एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको आना होगा print.sc, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप डाउनलोड लाइटशॉट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर आपको विंडोज और मैक दोनों के लिए मिलता है, तो अगर आपके पास मैक है तो आप मैक वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करेंगे। अपने नाम की तरह ही काफी सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसका साइज काफी कम है। इसके बाद जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो जस्ट आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा प्रिंट स्क्रीन, और आपको एरिया सिलेक्ट कर लेना है कितने एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप छोटा या बड़ा भी इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है अपलोड करने का, इसको आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अपलोड कर देता हूं, आप देखिए ये अपलोड हो रहा है। इसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, जस्ट आपको कॉपी करना है और जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं इसको शेयर कर सकते हैं। वो इस लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन करेगा, तो इस तरह से उसको आपका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जो आपने कैप्चर किया है। इसी तरह से यहां पर मैं एक और स्क्रीनशॉट कैप्चर करता हूं, तो मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस करूंगा प्रिंट स्क्रीन बटन। इसके बाद इस तरह से एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, जितने एरिया का भी आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा शेयर करने का, यहाँ से आप सीधे सोशल नेटवर्क्स पर इसको शेयर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है गूगल का, अगर आपको इस तरह की इमेजेस गूगल में फाइंड करनी है तो जस्ट आप गूगल आइकन पर क्लिक करेंगे, तो गूगल में इस तरह की जितनी भी इमेजेस है वो सब आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको मिलता है प्रिंट ऑप्शन, यहाँ से डायरेक्ट आप अपने स्क्रीनशॉट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉपी करने का, यहाँ से आप सीधे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेंट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर कंट्रोल वी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव करने का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं भी इस स्क्रीनशॉट को सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा, और इसकी क्वालिटी काफी HD होती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से किसी भी एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर लाइन डाल सकते हैं किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। इसमें आपको एरो मिल जाएगा, आप अपने स्क्रीनशॉट में एरो डाल सकते हैं, जस्ट आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से एरो डाल सकते हैं। इसमें आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, तो आप रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप रेक्टेंगल डाल सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट में। इसमें आपको मार्कर मिल जाएगा, तो मार्कर से आप किसी चीज को इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्स्ट टूल भी मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने स्क्रीनशॉट में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप इसको सिलेक्ट करेंगे और जहां पर भी आपको टेक्स्ट ऐड करना है आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स आपको इसमें मिल जाते हैं जब आप कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई इमेज है उसका लिंक आप जनरेट करना चाहते हैं किसी को शेयर करने के लिए, तो आप print.sc इसकी वेबसाइट पर आएंगे। यहां पर आप इमेज को ड्रैग करेंगे या फिर ब्राउज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज शेयर करनी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूंगा, ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और एक लिंक जनरेट हो जाएगा। जैसे ही वो इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके सामने आपकी इमेज आ जाएगी जो आपने यहाँ पर अपलोड की थी। नीचे आप शो हिडन आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइट शॉट का एक आइकन मिल जाएगा, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हॉट कीज आप सेटअप कर सकते हैं कि कौन सी की से स्क्रीनशॉट कैप्चर होना चाहिए। फॉर्मेट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस क्वालिटी में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, जस्ट कीबोर्ड में प्रेस करेंगे प्रिंट स्क्रीन और एरिया सिलेक्ट करेंगे और उसको आप सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपलोड करके लिंक जनरेट कर सकते हैं, गूगल में इसके जैसे इमेजेस फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं इनका यूज भी आप कर सकते हैं। सो अभी तक कंप्यूटर और लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने के जितने भी तरीके मैंने देखे हैं उनमें ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि आप
आप लोगों को अगर इसके बारे में नहीं पता है तो आपको इसके बारे में पता हो। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।